और मैं आपको बताऊं 8 मार्च को आज नारी शक्ति पुरस्कार का भी क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। जितने लोग हो सभी लोग कम से कम अपनी माता जी के लिए, अपनी बहन के लिए और समाज में मौजूद उन हर स्त्री के लिए जिनका आपकी सफलता में योगदान है उनके लिए थैंक्स टाइप करो, और मैं उन सभी महिलाओं के लिए लिखता हूं थैंक्स, ठीक है ना। आप हैं तो हम हैं, आपके ही द्वारा हम सभी पुरुषों का अस्तित्व है, आपके रहने से ही हम लोग खुश हैं, आपके होने से ही हम लोगों की मौजूदगी है। तो मम्मी आपको और मेरी जितनी फीमेल स्टूडेंट हैं और मेरे लाइफ में जिन जिन महिलाओं का योगदान है मुझे आज यहां तक लाने में या फिर जिस भी वे में, उन सभी को थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू माई मम्मा कि मैं आज जो कुछ भी हिस्ट्री सीख पाया हूं आपकी वजह से, आपके कहानियों की वजह से। यदि आपने बचपन में मुझे अकबर बाबर को स्टोरी के रूप में न सुनाया होता, ये न कहा होता मम्मी कि रजनीश पता है एक अकबर था वो गुजरात गया लड़ने के लिए, और जब वो गुजरात को जीत के आया तो वो भूल जाता कि अरे हम गुजरात कैसे जीते, तो उसने अपने गुजरात युद्ध की याद में बुलंद दरवाजा बनाया। अगर मम्मी तुम ऐसे कहानी ना बताई होती तो संभवतः मुझे आज मैं हिस्ट्री का टीचर ना होता। तो मेरी सफलता में मेरी माँ का सहयोग बहुत बड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी सफलता में भगवान से ज्यादा माँ का सहयोग है, एक नारी का सहयोग है। और हम पुरुष लोग किसी नारी को क्या विश कर सकते हैं यार, हम तो वो है ना जो उनकी पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा नारी की पूजा है। तो हमने कितनी बार हर नवरात्र में शक्ति के आगे सर झुकाते हैं हम सभी पुरुष, तो फिर हम मतलब उस शायद योग्य ही नहीं कि किसी नारी को ये कह सकें कि आपके लिए थैंक्स, आप महान थी, आप हैं और आप महान रहेंगी। आप अपने आप को कभी वीक मत समझना कि पुरुषों की मदद से आपको आगे जाना, नहीं, यू आर द मोस्ट पावरफुल, आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो, आपसे हमारा अस्तित्व है क्योंकि आप माँ हो, आप बहन हो, आप दोस्त हो। थैंक यू। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे